नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिजनेस आइडिया विद रोबिन में। आज हम आए हैं एक स्वीडन कंपनी के पेविलियन में, जहाँ पे हम जानेंगे उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना और अपनी कंपनी का। सर, मेरा नाम मयंक है। ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम है केक। इट इज़ अ स्वीडिश ब्रांड, स्वीडन की कंपनी है। 2016 से स्टार्ट हुई थी कंपनी। इस साल में ये कंपनी इंडिया में लॉन्च कर रही है अपनी 3 बाइक्स। ठीक है, तो इस मॉडल का क्या नाम है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं? सर, इस मॉडल का नाम है केक कॉल्क। ये जो मॉडल है बेसिकली ऑफ राइडिंग के लिए बना है, आपका डर्ट बाइक्स। ठीक है, अगर हम बात करें, अब मैं आपको मॉडल के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ। ये एक मॉडल है, इस मॉडल के 7 डिफरेंट वेरियंट्स हैं। इस मॉडल को हम 7 तरीके से डिफरेंट चीज़ों में दिखा सकते हैं लोगों को। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, 2.6 kWh की बैटरी है। 2 बैटरीज अटैच है ताकि इसकी जो रेंज दे वो 86 किलोमीटर की रेंज दे। ठीक है, टॉप स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर का टॉप स्पीड है। और लोग बहुत पूछते हैं कि टॉर्क कितना है, तो इसके जो टॉर्क है वो 252 न्यूटन मीटर है व्हील्स के ऊपर। कैटेगरी की बात करें तो जो बाइक है वो टोटल वेट में 70-80 kgs है, विच इज़ मच मोर लाइटर। अगर हम और कंपनीज में जाएँ तो 110-120 मिलती है, क्योंकि जो मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं हम, वो आपका एयरक्राफ्ट में मटेरियल यूज़ होता है। ओके, बात करें इसके कंट्रोल सिस्टम की, जो हमें हैंडल बार पे देखने को मिल रहा है, इस स्पेसिफिकेशंस में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? सर, इसमें आपको बैटरी परसेंटेज, आपकी टॉप स्पीड, ठीक है, नोटिफिकेशन, ये जो टोटली ऑपरेटेड आपके फ़ोन से हो जाएगी। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे बाकी कंट्रोल्स, इनसे हमें क्या क्या मिलने वाला है? सर, ये आपका इग्निशन के लिए है, टर्न और ऑफ करने के लिए नॉर्मली, ये आपका नॉर्मल। ठीक है, बाकी बात करें इसकी व्हील्स की, चेन सेट की, क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, कहाँ की ये कंपनी है? सर, मैंने बताया आपको स्वीडन की कंपनी है, तो एवरीथिंग इज़ मेड इन स्वीडन। ठीक है, तो अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ? सर, अभी लॉन्च नहीं हुआ, इस साल के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। इस साल के एंड तक, ठीक है। और अगर इसे स्वीडन से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कराया जाए तो क्या प्राइस रहने वाला है? सर, स्वीडिश मार्केट में अगर मैं प्राइस बताऊँ INR में कन्वर्ट करके, तो आपको 7-8 लाख रुपये की पड़ेगी। 7-8 लाख रुपये की, ठीक है। और बात करें इसके अदर मॉडल्स की या अदर वेरियंट्स की? हाँ, तो इस बाइक का नाम है मक्का फ्लेक्स। ओके, ठीक है, मैं आपको 3 बाइक दिखाऊंगा। तीनों बाइक के 7-7 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अगर इस बाइक की स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड है 45 km/h, ठीक है, और एक रेंज की बात करें तो 110 km की रेंज देती है बाइक फॉर अ सिंगल चार्ज। ठीक है, ठीक, बात करें इसकी बैटरी वोल्ट, और अगर हम इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ में इसको चेंज करना चाहें, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहें? यहाँ पे अटैचमेंट लग जाएगा आपका एक कंपार्टमेंट के लिए। अगर आप लॉजिस्टिक काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लोड वगैरह रख सकते हैं। अगर आपको 2-सीटर बनानी है तो एक सीट और पीछे अटैच हो सकती है। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा आइटम है जो आपको सेल करना है, और बहुत ज़्यादा आइटम, बल्क आइटम है, तो आप इसको रिमूव करके यहाँ पे अटैचमेंट लगा सकते हैं एक, और लाइट इसके आगे आ जाएगी। तो 7 टाइप के डिफरेंट अटैचमेंट अटैच हो जाएंगे आपके वेट और कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, बात करें इसके तीसरे वेरिएंट की, तो इसका नाम है केक ओसा। ठीक है, ठीक है, ये वेरिएंट बेसिकली B2B डिलीवरीज के लिए बना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके पीछे एक स्टोरेज के लिए आता है कंपार्टमेंट, विच इज़ यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग पर्पस। तो Zomato, स्विगी, जो आपके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ये उसके बेसिक हेल्पफुल के लिए है। टॉप स्पीड की बात करें, 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड है, एक सिंगल चार्ज में आपका ये 110 किलोमीटर आपको देगा। ठीक है, तो ये स्वीडिश कंपनी है, और अभी ये प्रोडक्ट्स दोस्तों अभी इंडिया में नहीं अवेलेबल हैं। बाई द एंड ऑफ दिस ईयर ये इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे थ्रू दीज बिजनेस पार्टनर्स विद केक। तो सर, आपने अपने प्रोडक्ट्स इतने यहाँ पे इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।